कि हरे कृष्ण हरे राम, गिरिडीह हो गया है पूरा जय राम जय राम जय राम। दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। प्रेमचंद लिखे ईदगाह रघुपति राघव गाए रसखान। दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। तो आधा गिरिडीह हम लोग जनसंपर्क करके कंप्लीट कर चुके, फुरा दिए हैं, आधा बचा हुआ है, तैयारी होगा और इस बार ऐतिहासिक महत्व से टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजने का काम करेंगे, घोषणा करेंगे हम लोग। चूंकि बाकी दलों ने पुष्टि कर दी है, कुछ एकाध दल बचे हैं, उनके पुष्टि करते ही हम लोग धनबाद लोकसभा से अपने उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए दिखेंगे। कौन होंगे आपके नज़र में उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी राय शुमारी की जा रही है, काफ़ी चिंतन मंथन किया जा रहा है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम लोग तमाम गतिविधियों को देखते हुए और सारी चीज़ों को आत्मशुमार करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुँचेंगे। एक तरफ झुमरा किंग करण में तो तैयारी पे लगे हैं, एक तरफ आपके साथ है रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक का केंद्रीय अध्यक्ष हैं, किसको ऊपर आप नज़र गड़ाए हुए हैं? देखिए, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूं तो बिल्कुल रिजवान दा एक बहुत बड़ा चेहरा है, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको कभी कभी यथार्थ होकर सोचना चाहिए। चूँकि देखिए, हमारे पास जितने भी नौजवान हैं 18 से 25 साल के, वो भावनाओं से भरे हुए हैं और राजनीति भावनाओं से नहीं, राजनीति रणनीति से जीती जाती है और रणनीति बनाकर ही राजनीति में स्थापित किया जा सकता है। अभी हम लोग नया चुनाव है, पहला चुनाव है और पहला चुनाव में लोकसभा बहुत बड़ा विषय होता है। लोकसभा के विषय अलग होंगे, लोकसभा का माहौल अलग होगा, लोकसभा की चर्चे अलग होंगे। अगर धनबाद और गिरिडीह में दोनों दिन अगर 15-10 दिन के अंतराल में अगर चुनाव होता तो निस्संदेह रिजवान दा धनबाद से ही चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन देखिए, यथार्थ की अगर आप सोचेंगे तो अगर हम लोग दोनों अलग अलग लड़ते हैं, रिजवान कहीं और से लड़ेगा, जयराम कहीं और से लड़ेगा, तो हमको लगता है कि दोनों जगह हम लोग को नुकसान होगा, किसी सीट को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हमारे संगठन के साथी हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको प्रैक्टिकल होकर, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना होगा। दोनों जब चुनाव हार जाएंगे, हम लोग वहाँ सम्मानजनक वोट ले आ सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट हम लोग ले आएंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा कि हम लोग दोनों धनबाद भी हार जाएंगे और गिरिडीह भी हार जाएंगे, क्योंकि दोनों दिन एक ही दिन चुनाव है। गिरिडीह में बिना रिजवान के जरा मां तो नहीं जीतने वाला है, और धनबाद अगर हम किसी को उम्मीदवारी देते हैं और बिना जयराम के वो शख्स जीतने वाला नहीं है, लेकिन दोनों का चुनाव एक ही दिन है और हम लोग वो कह सकते हैं कि भले दो शरीर हैं लेकिन दोनों एक हैं। यानी इसका मतलब दोनों जगह से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, धनबाद और गिरिडीह? देखिए, इस पर अगर हम लोग का पार्टी का चिन्ह आता है तो इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हम गिरिडीह ही चुनाव को लेकर फोकस किए हैं, हमें धनबाद के लिए प्रत्याशी दिखेंगे। रास्ता साफ कर दे कि रिजवान जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, रास्ता साफ नहीं, रिजवान जी हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं ये विधानसभा में। आखिर एक बात बताइए, सभी जो हमारे हथियार हैं उनको अगर हम लोकसभा में ही प्रदर्शित कर दें तो विधानसभा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा वहाँ कौन होगा? फिर मोतीलाल जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रजान जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो निस्संदेह अगर धनबाद और गिरिडीह का तिथि में अगर अंतर होता तो मेरा मानना है कि दोनों हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन यथार्थ होकर सोचना होगा, नहीं तो पता नहीं, हम बोलते हैं हाथ को खेलें पात को खेलें। तो फिर अभी आपने जिस तरह से कहा था 2 दिन में घोषणा कर देंगे, फिर भाजपा ने आपके जिस तरह से उनका भी टाइगर नाम है, आपका भी टाइगर कहा जाता है, और एक टाइगर मूल निवासी 1932 को धनबाद लोकसभा में भाजपा टिकट दे दिया, तो आप कैसे लोगों को टिकट दीजिएगा, कब दीजिएगा? क्या तैयारी भी करना जरूरी है, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, बाकी धनबाद का कैंडिडेट जिसको दीजिएगा वो तैयारी करेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट या व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं होता है, विचारधारा के आधार पर चुनाव होता है, और धनबाद के गांव-गांव तक जो फिलहाल वर्तमान में हमारी विचारधारा है, JLKM की विचारधारा है, JBKSS की विचारधारा है, जयराम महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी जो विचारधारा है, वो गांव-गांव पहुंच चुकी है। तो जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, अगर 4 दिन भी समय रहेगा तो बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा हमारी 2-2.5 वर्षों में 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल की बूढ़े बूढ़ियों तक पहुँच चुकी है, इसीलिए कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। कब घोषणा कीजिएगा? इसीलिए आज आदरणीय बड़े भाई रिजवान जी आए हैं और उसी बीच आप लोग का आगमन हुआ, तो घोषणा को ही चर्चा परिचर्चा करने को लेकर ही आज आए हुए थे, और ये स्वयं ये कहते हुए इन्होंने ही कहा कि आप कह दीजिए कि ये बड़ा भाई छोटे भाई के साथ छत्र छाया बनकर गिरिडीह में रहेंगे, और फिलहाल ये तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। यानी 4 नाम आप लेके गए थे वहाँ, शायद तो
जी, चार नाम में से कहीं कोई कोई एक चेहरा हो सकता है? उन चार नामों में से भी हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। हाँ, रिजवानदा भविष्य में हमारी जो विधानसभा होगा इसके ये मुख्य चेहरा होंगे, क्योंकि मान के चले अगर हम लोकसभा चले जाते हैं तो फिर राज्य में विधानसभा का चेहरा कौन बचेगा, तो उस समय चीज़ों को संभालेंगे माननीय रिजवानदा। मतलब जो जो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा में उनका दारोमदार और उनकी जो उपस्थिति होगी वो मजबूत होगी। लगभग हर समुदाय से आपके पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दी, तो क्या तय माना जाए कि जो धनबाद होगा वहाँ अल्पसंख्यक ही उतरेंगे? देखिए, निसंदेह एक सीट अल्पसंख्यक के साथ हम लोग जाएंगे। धनबाद हो सकती है, जमशेदपुर हो सकती है, रांची हो सकती है या गोड्डा हो सकती है, चार सीटें जहाँ हम लोग चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, चूँकि हमारे आंदोलन का प्रभाव और हम लोग का सभा वहाँ हो चुका है, तो इसीलिए उन चार सीटों में निसंदेह एक अल्पसंख्यक रहेगा। चूँकि अगर हम लोग सबको लेकर चलने की बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं होता है, सभी को धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए, और अल्पसंख्यक आबादी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो निसंदेह हमारी दल से अल्पसंख्यक रहेंगे और उसका चयन बाकी हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं। अभी आपने देवेंद्र महतो का नाम लिया कि जो अल्पसंख्यक रांची से भी उतार सकते हैं, तो अभी चुनाव प्रचार जो देवेंद्र महतो कर रहे हैं तो क्या वो अभी प्रत्याशी नहीं है? देखिए, जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है तब तक आप प्रत्याशी नहीं मान सकते हैं। ऑफिशियली दो उम्मीदवार का घोषणा किए हैं, एक सिंहभूम और एक चक्रा साहब, तो और कोडरमा। अभी शाम तक अभी हम लोग का लेटर बनेगा और एक आध उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आपने जिस तरह से दो सालों तक आंदोलन किए हैं बाहरी भीतरी को लेकर, तो उसी तरह से देखा जाए तो एक खतियानी विधायक को टिकट दे दिया जाए बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये आंदोलन का असर है? एक बात बताइए, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है आप इसे परिभाषित कीजिए। ये पूरे झारखंड मान चुका है कि आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है उनको पूछिए कैसे असर नहीं है। आदरणीय जिन सभा होगा कि अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में कैंडिडेट नहीं आ रहा है कि हम इस बार गिरिडीह में टाइगर जयराम महतो के टक्कर में किस कैंडिडेट को देने का काम करेंगे जो उनको टक्कर दे पाए। जब सारे लोग सोए हुए हैं तो आधा गिरिडीह हम लोग जनसंपर्क करके कंप्लीट कर चुके, फुरा दिए हैं, आधा बचा हुआ है, तैयारी होगा और इस बार ऐतिहासिक मतों से टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? आदेश हो गया है, हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ में गिरिडीह में मेहनत करेंगे, एक फतह करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम लोग विधानसभा पर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। अगर गांडे उपचुनाव के लिए आपका प्रत्याशी के नाम घोषणा करें, वो हमारे कोर कमेटी निर्णय लेंगे। जो हमने कहा है कि हम एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी का, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का, कोर कमेटी का जो निर्णय होगा रिजवान क्रांतिकारी पालन करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अगर लेग लाइन के साथ समाप्त करते हैं, एक दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। प्रेमचंद लिखे ईदगाह, प्रेमचंद लिखे ईदगाह, रघुपति राघव गाए रसखान, दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम दूजा क्रांतिकारी रिजवान। तो ग्रीडी इसी मूल मंत्र के साथ और आने वाले बाकी जो चुनाव है फतह किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग हमें अलग ना करें कि इनको वहाँ भेज दीजिए, इनको यहाँ भेज दीजिए। हाँ, इनके लिए हम लोग कब होगा, जब 10 दिन का अंतर होगा, जब किसी चुनाव में, जब हम लोग भविष्य में विधानसभा भी लड़ेंगे तो जब कम से कम 2-4 दिन का अंतर होगा उन्हीं सीटों से हम लोग लड़ते नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ, आपको वचन देते हैं, जिस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे और अगर हम विधानसभा किस सीट से भविष्य में चुनाव लड़ें और दोनों एक दिन में हुआ तो हम अपनी सीट को छोड़ देंगे कि हम इस सीट से नहीं लड़ेंगे, हम किसी अन्य सीट से लड़ेंगे, लेकिन प्राथमिकता रिजवानदा को देंगे। एक अंत में हम भी अंत करेंगे एक शब्दों के साथ में कि हरे कृष्ण हरे राम, गिरिडीह हो गया है पूरा जयराम जयराम जयराम। धन्यवाद।